राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पुलवामा आतंकी अटैक केस में चार्जशीट दायर कर दी है। यह चार्जशीट 13,500 पन्नों की है। चार्जशीट में एनआईए ने 13 आरोपी बनाए हैं। इनमें जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है, जबकि हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती आतंकी आदिल डार धमाके में ही मारा गया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला किया गया था। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दी थी। इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी मामले की जांच एनआईए कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की टीम की नज़र अब मुंबई के वाटरस्टोन होटल क्लब पर टिकी हुई है। परिवार का आरोप है कि इस रिजॉर्ट में आने के बाद सुशांत सिंह अपने परिवार से कट गए थे। सुशांत को इस रिजॉर्ट में रिया लेकर गई थी। वो यहाँ 2 महीने तक ठहरे थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा के फ्लैट में रहते थे। जानकारी के मुताबिक उस फ्लैट में भूत प्रेत की बात की गई, इसीलिए वे वाटरस्टोन होटल क्लब में रुके थे। सीबीआई की टीम इस होटल के स्टाफ मैनेजर से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई जानकारी जुटा रही है कि जिस दौरान सुशांत यहां रुके थे, कौन कौन लोग उनसे मिलने आते थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढह गई। सोमवार शाम को ढही इमारत में लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। लगभग 20 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 साल के बच्चे को बचा लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक है और वह स्वस्थ है। एनडीआरएफ अधिकारी ने कहा कि बच्चा एक किनारे दुबका हुआ था। एनडीआरएफ के 2 जवान जब मलबा हटा रहे थे, तभी एक किनारे बच्चे को देखा गया। फिर उसे बाहर निकाला गया और उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। तमिलनाडु मूल के कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी पी मुरलीधर राव, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरुगन और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में अन्नामलाई ने भाजपा की सदस्यता ली। कर्नाटक में 9 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले अन्नामलाई ने पिछले साल मई महीने में ही पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। उस वक्त वे बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त पद पर तैनात थे। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31 लाख के पार कर चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,975 नए मरीज सामने आए और 848 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल देश में रिकवरी रेट बढ़कर 75.92% पर पहुंच चुका है। यह दर लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं 22.24% मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि डेथ रेट घटकर 1.84 पर आ गया है। सोमवार को एक दिन में कुल 66,500 कोविड मरीज ठीक हुए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने बताया कि 24 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,68,27,520 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,25,383 सैंपल सिर्फ कल यानी कि मंगलवार को टेस्ट किए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सोमवार को झारखंड में 940 नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं 24 घंटे के भीतर 15 मरीजों की मौत भी हो गई। राहत की बात यह है कि इस बीच 879 मरीज ठीक भी हुए। इसके साथ ही अब राज्य में कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 21,025 हो गई है। सोमवार को अकेले रांची में 160 नए मामले सामने आए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए मेदांता गुरुग्राम ले जाया जाएगा। उनको आज शाम भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली ले जाया जाएगा। इसके लिए भुवनेश्वर से ही एक स्पेशल कोच राजधानी में लगाई जा रही है। बोकारो के स्टेशन प्रबंधक के अनुसार ट्रेन बोकारो स्टेशन शाम 7 बजे पहुंचेगी। 7:40 पर बोकारो स्टेशन से निकल जाएगी। आपको बता दें कि शिबू सोरेन अपने परिवार के साथ कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने उस योजना का दोबारा शिलान्यास कर दिया, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल ही कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन पर आरोप लगाया गया है कि उनके समर्थकों ने शिलापट पर लिखे गए नामों को पत्थर से मिटा दिया। इसके बाद अब इस मुद्दे पर भाजपा भड़क गई है। इस पर बीजेपी नेता अमर कुमार बौरी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी गठबंधन सरकार पूर्व के भाजपा सरकार के कामों का क्रेडिट ले रही है। उससे यह स्पष्ट होता है कि इनकी राजनीति केवल लिपा पोती और इनकी टोपी उसके सर वाली रहेगी। इन 8 महीनों में झारखंड की बदहाली हम सबके सामने है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा को हजारीबाग की एक गुमनाम महिला ने पत्र भेजा है। पत्र में विधायक की हत्या की योजना की जानकारी दी गई है। इसमें हत्या की योजना में शामिल लोगों के मोबाइल और वाहन नंबरों का भी जिक्र है।
विधायक के पत्र को धनबाद पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्र के पीछे का सच क्या है, सचमुच में विधायक की जान को खतरा है या कोई साजिश है। झारखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इस कारण अगले दो दिनों में इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। आज पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 26 अगस्त को उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग में एक दो स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे में 74.4 mm बारिश हो सकती है।